नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू जयपुर। मैं दीपेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ी और बुरी तरीके से हराया है। 132 रन प्लस में एक पारी का अंतर जो रहा, बहुत ही बड़ा ये अंतर रहा। और भारत की तरफ से बैटिंग भी अच्छी रही, बॉलिंग तो जबरदस्त रही। 400 रन भारत ने बनाए थे अपनी पहली पारी में, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी खेलते हुए 177 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें रविंद्र जडेजा के 5 शानदार विकेट थे, 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन के, एक एक विकेट था मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का। उसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी खेली थी और जैसे कि मैंने आपको बताया, 400 रन भारत ने स्कोर किए थे, जिसमें 120 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे, एक शानदार शतक रोहित शर्मा का था। वहीं मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भारत का अच्छा नहीं खेला था, लेकिन उसके बाद में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जबरदस्त बैटिंग रही। उसके बाद में रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से पारी खेली, 70 रन उन्होंने बनाए और जबरदस्त उनकी पारी रही, क्योंकि जिस पिच पे पूरा मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया था, वहीं रविंद्र जडेजा ने धैर्य से खेलते हुए 70 रन बनाए। उसके बाद 84 रन की एक बहुत बड़ी पारी खेली अक्षर पटेल ने, जो कि भारत को 400 रन ले जाने में बड़ा जो उनका योगदान रहा। तो भारत की तरफ से 400 रन बने, जिसमें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, इन तीनों बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। साथ ही मोहम्मद शमी, जिन्होंने 37 रन बनाए और ओडीआई की तरह बैटिंग करी और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। उसके बाद में जिस तरीके से फिर जो भी पारी गई ऑस्ट्रेलिया की, मात्र 91 रन पर, यानी कि 91 रन पर बोल्ड हो गई ऑस्ट्रेलिया और कुछ भी नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय बॉलिंग के सामने। फिर से अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने कमाल किया। जडेजा इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, यानी कि मैन ऑफ द मैच जडेजा को मिला। 70 रन उन्होंने बनाए हैं और वहीं 7 शानदार विकेट जडेजा ने लिए, 8 विकेट लिए रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन बैटिंग में वो कामयाब नहीं हो सके अश्विन। 8 विकेट जरूर अश्विन ने लिए हैं, 5 विकेट दूसरी पारी में जिस तरीके से उनकी बॉलिंग रही, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को उन्होंने टिकने ही नहीं दिया और जबरदस्त बॉलिंग करी। तो भारत की तरफ से बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब तरीके से भारत हावी रहा ऑस्ट्रेलिया पे। एक पारी और 132 रन की बहुत बड़ी जीत दर्ज करी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने, फिर से कमाल किया है और भारत को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। मात्र तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया। बाकी के न्यूज अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।